गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है संडे और आज मम्मा पापा जा रहे हैं घूमने। गुरकरण और मैं घर पे ही हैं और अभी मैं स्ट्रॉ लेने जा रहा हूँ जिसे पराली कहते हैं, मशरूम उगाने के लिए। विंटर्स अब आ रही हैं तो मैं अब विंटर्स की वेजिटेबल्स की तैयारी करूँगा जो मैं आपको दिखाऊँगा। सो लेट्स गो। साइकिल वैली पहुंच चुके हैं और यहाँ हम देखेंगे कोई जगह जहाँ पे पराली पड़ी हो मशरूम उगाने के लिए। और विंटर्स आ गई हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने अपना टेरेस गार्डन भी पूरा रीअरेंज करा लिया है, लिटरली इतना ब्यूटीफुल हो गया है। और ये हमने उसमें कुछ जुगाड़ भी किया है और ज़्यादा वेजिटेबल्स ग्रो करने का, जो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगा। तो अभी हम पराली ढूँढ रहे हैं और देख लो मेरे पीछे कितने सुंदर सुंदर फार्म्स हैं। पे सारा गन्ना लगा हुआ है। और ये यहाँ पे गुरकरण बैठा हुआ है जो अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा क्योंकि ये अभी लड़की बना हुआ है। और ये मेरी कजन सिस्टर है जिसका नाम है गुरकीरत कौर। सो गाइस ये आप देख लो, और गाइस मेरी कजन सिस्टर भी बहुत एंजॉय कर रही है गुरकीरत कौर। अभी भी हमारी पराली की खोज जा रही है और ये देखो हम फार्म्स का मजा लेते हैं। और इतनी अच्छी हवा चल रही है और ये था वो गुरकीरत जो देख रहे हो, ये उस गुरकीरत कौर के बाहर है जिसको आप गुरकरण के नाम से जानते हो। हमें पराली मिल चुकी है, वो देखो कितना ढेरों ढेर लगा हुआ है पराली का। ये देखो यहाँ भी है, देखते हैं अगर हमें मिल जाए ऊपर वो कहीं लेके जा रहे हैं पराली। सो गाइस यहाँ पे पराली के ढेर लगे हुए हैं पूरे के पूरे। अब हम उनसे पूछ के लेते हैं कि क्या वो हमें थोड़ी सी पराली दे देंगे मशरूम उगाने के लिए। और मैं आपके साथ पूरा सीड्स उगाने का, विंटर सीड्स उगाने का प्रोसेस भी शेयर करूंगा, मशरूम्स उगाने का भी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और शायद मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ। सो लेट्स सी। गाइस यहाँ खुले खेतों में पहुँच चुके और वहाँ देखो कितने सारे छोटे छोटे बच्चे हैं गाँव के बफलो के, थैले लेकर जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि क्या हम ले सकते हैं थोड़ी सी पराली। खड़े वो गाइस फाइनली हमें परमिशन मिल चुकी है तो हम अब भर लेते हैं मशरूम उगाने के लिए। सो गाइस अभी सारे योद्धा इकट्ठे जुड़ चुके हैं इकट्ठे करने के लिए पराली, और इतनी बड़ी बड़ी पराली है। आ गया मैं को इतने डर गए सप सुपना आ जाने मम्मा बस करो। इतने अल्ला भर लिया वीर जी ने तो। सो गाइस यहाँ पे मैंने पूरी पराली भर रही है और ये देखो मम्मा पापा भी भर रहे हैं। इसको मैं कार में रखने जा रहा हूँ और वो देखो छोटे छोटे बच्चे और थैला पराली का। लिटरली मुझे लगता है अब हम पूरी सर्दियों में मशरूम खाई जाएंगे। और अगर आपको मशरूम के स्पॉन्स चाहिए, कोई भी विंटर वेजिटेबल्स के चाहिए, तो प्लीज़ नीचे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ आप जाके बाय कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी है दैट वर्क्स लाइक मैजिक, उससे आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं जो मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में या इसके पार्ट टू में। सो लेट्स सी। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को मिलने जा रहा हूँ। और गुरकरण ऑलरेडी वो देखो वो रही गुरकीरत हमारी गुरकीरत कौर, वो देखो छोटी सी गुरकीरत गुरकीरत गुरकीरत। सो गाइस ये वो बच्चे गुरकरण, आपको डर नहीं लगता कितने ब्रेव हो? ओ छतू लात मेरा उठे के डिगोगे। और ये हमारी गुरकीरत रिवील हो गई। ओए कितना छोटा है बेचारा। गो छोटू छोटू गुरकरण जी दिमाग ही ना, एक बार चक के सानू पटक देना दोनों नू किथे है। ओए गुरकरण तीनों चली जा रही रुक ही नहीं रहे। चुप पाजी चल 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 चल। और ये हमारी गुरकरण भैंसों को चढ़ाते। और वो बर्ड्स कितने अजीब हैं गुरकरण, वो बर्ड्स फर्स्ट टाइम देखे है गुरकरण। जो बच्चा बनया हुआ है ना उन्होंने हाथ ला के देखी ना, तो मारेगा ना मैं तो उठ के यार तुझसे ज्यादा भी नहीं
चल जा थे, ते ही तो मोटे बंदे का फायदा है। जाओ तुसी नहीं मार दो लत, पहले मुड़ेगा फिर लत खिंचेगा, जो वो मुड़ेगा पीछे होएगा। ਉਹੀ ਗੁਰਕਨ ਲਿਟਰਲੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਯਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਗੁਰਕਨ ਦੇ ਰਿਬਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਰੇ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਕੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਹੱਥ ਲਾਤੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਊਟੀ ਪਾਈ। ਹੈਲੋ ਕਿਊਟੀ, ਹਮਾਰੇ ਵਲੌਗ ਮੇ ਆਓ, ਕਹੋ ਹੈਲੋ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਜਸਗੁਰ ਵਲੌਗਸ। प्लीज़ बोलिए, आपके कहने पे सारे लोग सब्सक्राइब कर देंगे। प्लीज़ छोटू 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 प्लीज़ सब्सक्राइब, बोलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बोलो लोगों को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो जसगुरु व्लॉग्स को। चलो बाय। हमारे दो योद्धा ने पराली इकट्ठी कर दी है, तीन योद्धा, और ये हम इन बच्चों से भी मिल लिए हैं। तो अब लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट टू कम। हमें और पराली चाहिए, उसकी वजह से हम पूरी डिक्की में पराली भर रहे हैं, और इस व्लॉग का टाइटल होगा डिक्की में भर दी पराली। सो गाइस, अब हम मम्मा और मैं दोनों पराली डिक्की में भरने जा रहे हैं, और अब दोनों में अब बातचीत हो रही है कि गिल्ली पराली भरे या सूखी पराली, गिल्ली पराली ज़्यादा होगी या सूखी पराली। तो प्लीज़ कमेंट करके प्रश्न का सवाल दीजिए, 1 करोड़ रुपये का 1 करोड़पति का सवाल है। प्रश्न का सवाल दीजिए। ओ प्रश्न का उत्तर दी। हमारी पूरी डिक्की पराली से भर गई है, और अभी जितनी पराली आ सके उतनी भरने की कोशिश है मेरे मम्मा की और मेरी, जोर लगा के। ओए होए अरे ईशा, गाइस सब्जी ऐसे नहीं उगती, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ। सो बस बहुत है हमारे लिए इतनी पराली, ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है। यस, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता, बस बहुत है। सो ये हमारी पूरी डिक्की पराली से भरी हुई। मम्मी लिटरली वो गांव का बच्चा बड़ा क्यूट है। इसको ऐश्वर्य राय बना दो। और आज के व्लॉग के टाइटल और मिल रहे हैं, गुरकरण बने ऐश्वर्य राय, हमारी गुरकीरत बनी ऐश्वर्य राय। सो हम फाइनली पराली इकट्ठी करके घर जा रहे हैं, और मम्मा पापा और गुरकरण सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं गुरकरण, ताकि मम्मा फ़ोन लेके जा रहे हैं, तो इसको फ़ोन चाहिए, इसकी जान है फ़ोन। तो अकेला मैं ही घर पे हूँगा, तो देखते हैं आज का व्लॉग क्या बनता है। का टाइटल डिसाइड हो गया है, कार में घास और हमारी ऐश्वर्य। मेरी दिन मुंह दे लो वो कितने। हाँ हाँ 50 मिनट।